पिता आग बबूला, आग बबूला हो गए, हो गए और बोले, और बोले हमारे घर में, हमारे घर में हमेशा हमेशा हर सदस्य, हर सदस्य बचपन से, बचपन से ही कमाई, कमाई करता रहा, करता है, करता रहा है, और उसी से घर का, घर का खर्च, खर्च चल पाता है, चल पाता है। माँ ने बेटे का पक्ष लेते हुए, उसके उसके पिता दीनू को समझाया, समझाया। देखिए देखिए अगर अगर कबीर कबीर पढ़ने की जिद जिद कर रहा है, कर रहा है, तो इसमें इसमें हर्ज ही क्या है, है? इतनी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ गया। उन्होंने कबीर की माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा। कबीर खड़ा यह देख रहा था। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पर आप माँ को कुछ ना कहिए। बात वही समाप्त हो गई। कबीर की माँ जिन घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाती थी उनसे कहकर उसने कबीर की नौकरी एक सेठ के यहाँ लगवा दी। कबीर सेठ के परिवार में काम करने लगा। उसने अपनी मेहनत और लगन से घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। सेठ के बच्चे जब पढ़ाई करते तो कबीर भी उनके साथ पढ़ने बैठ जाता और उनकी पुरानी कॉपियों पर लिखता रहता। एक दिन कबीर कुछ लिख रहा था तो अचानक सेठ जी उस कमरे में कमरे पे आ गए कमरे में आ गए।